आज हमारा दूसरा टॉपिक है पादपों में लैंगिक जनन। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि पादपों में किस तरीके से अलैंगिक जनन होता है। आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे और पूरी यूनिट्स का जितने भी टॉपिक जो मेन टॉपिक्स हैं उनको कोशिश करेंगे एक साथ कवर करने की। तो आपने जो आपके सामने जो पूरा एक फ्लो डायग्राम दिख रहा है, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो आपके सामने दिख रहा है, वो काफ़ी आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। आपको लग रहा होगा कि कई सारी चीज़ें इसमें एक साथ जुड़ी गई हैं और एक नेटवर्क टाइप का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इसके पीछे हमारा पर्पज़ ये है कि जो हमारी पहली वाली जो यूनिट है, उस पहली वाली यूनिट बायोलॉजी की 12th बुक के अंदर, उस यूनिट का हमने एक चैप्टर पर क्लियर कर लिया था जिसका नाम था आवर्तबीजी पादपों में अलैंगिक जनन के प्रकार एवं उनकी विधियाँ हैं और किस तरीके से पादपों के अंदर अलैंगिक जनन संपूर्ण होता है। आज जो अगला हमारा जो चैप्टर्स है और उससे जुड़े हुए जो इस यूनिट्स के चैप्टर हैं, उन चैप्टर्स को एक सीधे से डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन से हमने यहाँ पर लिया है। तो कोशिश है कि आप अच्छी तरीके से समझें। मैं जिस तरीके से पॉइंट टू पॉइंट चलूँगा, आप उस पर पूरा फोकस करें और पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे जिससे आपको ये पूरा जो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स टाइप का जो आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है वो इजी वे में आपको समझ लें। तो आइए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आवर्तबीजी पादपों के अंदर क्या होता है कि कई सारी जनन की प्रावस्थाएं होती हैं। जनन प्रावस्थाएं जैसी आती हैं तो प्रत्येक पादप के ऊपर कुछ विशेष परिस्थितियों में या कुछ विशेष मौसम में पुष्पों का आना होता है, अर्थात किसी भी पौधे के अंदर फूलों का खिलना वह उसकी जनन प्रावस्था को बताता है। जैसा हम जानते हैं, जब तक किसी पादप पर पुष्प नहीं आते तब तक उसकी सारी जो भी संरचना है, घटना है, जैसे बीज का निर्माण है, फल का निर्माण है, ऐसी चीजें तब तक नहीं होती है जब तक उसके ऊपर पुष्प नहीं आते। इसलिए हम मानते हैं कि पादपों के अंदर पुष्पों खिलना का मतलब ये होता है कि वह पादप जनन प्रावस्था की ओर प्रवेश कर चुका है। तो जनन प्रावस्था में आते ही प्रत्येक पादप की कलिकाओं पर या प्रत्येक पादप की अच्छी तने से निकलने वाली कलिकाओं से पुष्प का निर्माण होता है। पुष्प एक रूपांतरित प्ररोह है जो तने से निश्चित होता है। तो इस पूरे चक्र के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि एक आवर्तबीजी पादप के अंदर पुष्पों के आने के बाद वो कौन सी जनन की संरचना है, वो घटना है जिसके बाद वो एक संपूर्ण रूप से बीज का निर्माण करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि लैंगिक जनन का जो अंतिम परिणाम होता है वो किसी पादप के द्वारा बीज का निर्माण करना होता है, क्योंकि उसी बीज के अंदर उस पादप की समस्त आनुवंशिक संरचनाएं समाहित होती हैं जिसके कारण वो वापस अंकुरित करके अपने ही जैसे नए पादप का निर्माण करता है। आइए, प्रत्येक पादप का जो पुष्प होता है उस पुष्प में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। प्रत्येक पादप का पुष्प के अंदर एक डंठलनुमा भाग होता है, जिस डंठलनुमा भाग को पुष्प व्रंथ कहते हैं। इस पुष्प व्रंथ की सहायता से कोई भी जो पुष्प होता है वो पादप से, तने से या किसी कलिका से जुड़ा हुआ होता है। ये जो पुष्प व्रंथ होता है, पुष्प व्रंथ ऊपर की ओर फूलकर एक चौड़ा सा भाग, फूला हुआ भाग बनाता है जिसको हम लोग कहते हैं पुष्पासन। जिस पुष्पासन के ऊपर पुष्प के जितनी भी संरचनाएं होती हैं, जितने भी चक्र होते हैं पुष्पों पर आधारित होते हैं, अर्थात प्रत्येक पुष्प का जो आधारित भाग है उसको हम पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन के बाद आपने देखा होगा प्रत्येक पुष्प में हरे रंग की कुछ पंखुड़ियों नुमा संरचनाएं होती हैं, हरी होती हैं, प्रकाश संश्लेषण करती हैं, उनको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं, जिसका प्रत्येक जो एक सदस्य होता है उसको हम बाह्यदल कहते हैं। तो पहला चक्र बाह्यदल पुंज होता है। दूसरा जो पुष्प के अंदर चक्र होता है जो उसका रंगीन भाग बनाता है, जिसके कारण उस पुष्प को देखने के बाद हमें काफी सुंदर लगता है तथा कीटों को वो परागण की क्रिया के लिए आकर्षित करता है, उस आकर्षण वाले चक्र को जो दूसरे नंबर का चक्र होता है उसको हम दलपुंज कहते हैं, जिसका प्रत्येक जो सदस्य होता है उसको हम दल कहते हैं। दल के बाद तीसरा जो चक्र होता है उसको प्राय हम जननांग के रूप में जानते हैं, जिन्हें हम कुमंग कहते हैं, और इस कुमंग का एक जो सदस्य होता है उसको पुंकेसर कहते हैं, अर्थात कई सारे पुंकेसर मिलकर एक साथ पुष्प के अंदर एक चक्र पर आते हैं जिसको हम कुमंग कहते हैं, जिसको नरजननांग के रूप में भी जाना जाता है। तीसरा जो पादपों के अंदर चौथा जो चक्र होता है, चौथे चक्र को हम लोग जायांग कहते हैं, और जायांग को प्राय हम मादा जननांग के रूप में जानते हैं। मादा जननांग कई सारे सदस्यों से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें उसका प्रत्येक जो सदस्य होता है उसको हम स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। इस आधार पर प्रत्येक पुष्प के अंदर मुख्यतः दो चक्रों के रूप में चार चक्र उपस्थित होते हैं। पहले चक्र
बाह्यदल पुंज और दल पुंज जो किसी पुष्प की आकार की संरचना का निर्माण करते हैं उनको हम कहते हैं सहायक चक्र, जबकि तीसरे और चौथे चक्र उमंग और जायांग किसी पादप के अंदर जब पुष्प में उपस्थित होते हैं तो उनको हम आवश्यक चक्र या जनन चक्र कहते हैं। क्यों? जब तक किसी भी पुष्प के अंदर ये दोनों चक्र उपस्थित नहीं होते हैं तब तक वह पुष्प जनन करने में सक्षम नहीं होता है, इसलिए इन दोनों चक्रों का अर्थात उमंग और जायांग का होना बहुत आवश्यक है। इस स्थिति में ही इस पादप को, इन चक्रों को हम आवश्यक या जनन चक्र कहते हैं क्योंकि ये जनन की क्रिया में भाग लेते हैं। अब बात आती है कि ऐसे पुष्प जिनके अंदर ये दोनों जननांग एक साथ उपस्थित हो, जैसे अगर उमंग और जायांग दोनों एक साथ किसी पुष्प में उपस्थित है तो ऐसे पुष्पों को हम द्विलिंगी पुष्प कहते हैं, जबकि इसमें अगर एक ही जनन चक्र उपस्थित है चाहे उमंग हो चाहे जायांग हो, यदि उमंग होता है तो उसको हम नर पुष्प कहते हैं और यदि जायांग होता है तो उसको हम मादा पुष्प कहते हैं। तो इस आधार पर पुष्प अपने लैंगिकता के आधार पर दो प्रकार की एकलिंगी और द्विलिंगी। एकलिंगी का अभिप्राय वह पुष्प जिसमें केवल एक ही जनन चक्र के रूप में उमंग या जायांग उपस्थित होता है उसको हम एकलिंगी पुष्प कहते हैं, जैसे कुकुरबिटेसी कुल के मेंबर है, जैसे लौकी है, कद्दू है, तोरई है, खीरा है, जितने ये पादप हैं इनके पादप प्राय एकलिंगी होते हैं क्योंकि इनके अंदर से एक ही प्रकार का जनन चक्र मिलता है, जबकि अधिकांशतः जो पादप हैं जैसे आपकी दालों के रूप में चना है, मटर है, आपकी मूंग है, आपकी सरसों है, आपकी गुड़हल है, इनमें दोनों ही चक्र एक साथ उपस्थित के रूप में जननांग और जायांग और उमंग होते हैं। अब बात आती है किस तरीके जनन करते हैं, हम चर्चा करते हैं सबसे तीसरे चक्र की। मैंने बताया था तीसरा जो चक्र होता है प्रत्येक पुष्प का उसको हम कोमल कहते हैं और कोमल का जो एक सदस्य होता है उसको हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर मुख्यतः तीन संरचनाओं से मिलकर बना हुआ होता है। पुंकेसर का वह भाग जो डंठलनुमा होता है जिसकी सहायता से वह पुष्पाशन से जुड़ा हुआ रहता है उसको हम कुतंतु कहते हैं, जो जननक्षम नहीं होता है, एक कार्यशील संरचना है। उसके बाद ऊपर की ओर एक फूला हुआ भाग होता है जिसको हम परागकोष कहते हैं और इस परागकोष के बीच में एक धारी होती है या एक ऊतक होता है जिसके कारण ये परागकोष दो पालियों में बटा हुआ होता है, इस ऊतक को हम योजी ऊतक कहते हैं। लेकिन ये जो परागकोष होता है ये परागकोष एक जननशील संरचना है या जननशील संरचना है जो किसी परागकोष के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो परागकोष की फिर किसी ने देखा कि परागकोष की ऐसी क्या संरचना है, तो परागकोष की स्थिति के आधार पर प्राय पुंकेसर भी दो प्रकार के होते हैं। एक पुंकेसर को हम एक पालित कहते हैं और दूसरे पुंकेसर को हम द्विपालित कहते हैं। आप कहेंगे एक पालित का अभिप्राय ऐसा पुंकेसर जिसके परागकोष में केवल एक ही पराग पाली होती है। कितनी पाली होती है? केवल एक ही पराग पाली होती है, एक ही पराग पाली होती है, उसको हम एक पालित पुंकेसर कहते हैं। और जबकि ऐसा कोई पुंकेसर जिसमें योजी ऊतक के कारण परागकोष दो पालियों में बटा हुआ होता है उसको हम द्विपालित पुंकेसर कहते हैं। एक पालित पुंकेसर प्राय हमारे मालवेसी कुल के जो पादप है जैसे गुड़हल है, भिंडी है, कपास है, इनके अंदर एक पालित पुंकेसर पाए जाते हैं, जबकि अधिकांशतः आवृतबीजी पादपों में और द्विबीजपत्री पादपों में द्विपालित परागकोष पाए जाते हैं। आगे फिर इस परागकोष की किसी ने अंतस्थ काट काट के देखा कि इसमें कैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, तो परागकोष की अंतस्थ काट डीएस और परागकोष के अंतस्थ काट काटने पर जब इसको परागकोष के अंतस्थ काट ऐसे करके काटा गया तो काटने के बाद इसको माइक्रोस्कोप में देखा गया कि इसकी समस्त परागकोष की आंतरिक संरचना में मुख्यतः बेलनाकार कुछ विशेष प्रकार की पुटिकाओं के रूप में बीजाणु धानियां पाई जाती हैं जिसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु धानी। क्या कहते हैं? लघु बीजाणु धानी। ये जो लघु बीजाणु धानी होती है इनको हम परागकोष पाली भी कहते हैं या पराग पाली भी कहते हैं और लघु बीजाणु धानी भी कहते हैं क्योंकि इनके अंदर ही लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। तो ये चार लघु बीजाणु धानी चार गोलाकार संरचनाओं के रूप में होती है, अर्थात ऐसे परागकोष, ऐसे पुंकेसर जिनके परागकोष में दो पालियां पाई जाती हैं उनमें चार लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और ऐसे परागकोष जिनमें केवल एक ही पाली होती है उनमें दो लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। अभिप्राय हमारा ये हुआ कि परागकोष की एक पराग पाली में दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं जबकि द्विपालित परागकोष के अंदर चार लघु बीजाणु धानियां पाई जाती हैं। प्रत्येक लघु बीजाणु धानी की संरचना एक जैसी होती है, इसमें हमने एक को अच्छे से यहाँ पर प्रदर्शित किया है तो उसको देखते हैं। प्रत्येक परागकोष की लघु बीजाणु धानी मुख्यतः दो भागों से बनी हुई होती है, एक लघु बीजाणु धानी की भित्ति और दूसरा बीजाणुजन्य ऊतक।
आप कहें किस तरीके से लघु बीजाणु धमनी भित्ति का अभिप्राय यह है कि ऐसी सभी कोशिकाएं जो अपने एक स्तर या दो स्तर का निर्माण करती हैं और वो चारों तरफ से उस लघु बीजाणु धमनी को घिरे हुए रहती है तो उसको तो कहते हैं हम लघु बीजाणु धमनी भित्ति। अर्थात ये चार भित्तियां मिलकर लघु बीजाणु धमनी भित्ति बनाती है, लघु बीजाणु धमनी भित्ति बनाती है। जबकि अंदर की ओर केंद्र में जो गोलाकार सघन कोशिकाओं का समूह होता है वो एक ऊतक का निर्माण करता है जिसको हम कहते हैं बीजाणुजन ऊतक। अब आप देखिए संगीत तो प्रत्येक लघु बीजाणु धमनी की भित्ति में मुख्यतः चार परतें पाई जाती हैं, जिसमें प्रथम जो परत होती है उसको हम पादत्वचा कहते हैं, जो पूरी की पूरी लघु बीजाणु धमनी को चारों तरफ से घेरे रहती है तथा उसको सुरक्षा प्रदान करती है। जस्ट इस पादत्वचा के नीचे अगली मृदुत्वकी कोशिकाओं का एक और स्तर पाया जाता है जिसको हम अंतस्थीसियम कहते हैं। इस अंतस्थीसियम की कोशिकाओं के अंदर कुछ विशेष प्रकार की अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां पाई जाती हैं, जिसके कारण ये अंतस्थीसियम जल एवं नमी का क्या करती है अवशोषण करती है। और इसी जल एवं नमी का अवशोषण करने के कारण जब ये पूरी की पूरी परागकणों से अलग की जाने खानी परिपक्व हो जाती है, परागकणों का भारी मात्रा में निर्माण हो जाता है, तो इसी में से जल का ह्रास हो जाता है और जल का ह्रास होने के कारण पूरी की पूरी लघु बीजाणु धमनियां अंदर की ओर दबाव डालती हैं जिससे फट जाती हैं और फटने के बाद समस्त जो परागकण होते हैं वो इस परागकोष में से निकलकर बाहरी पर्यावरण में आ जाते हैं। तो हमें यहाँ यह पता चलना है कि अल्फा सेलुलोज की रेशेदार पट्टियां अंतस्थीसियम में पाई जाती हैं जो आर्द्रता ग्राही होती हैं, जो नमी का अवशोषण करती हैं, जो पराग कण के या परिपक्व आग के पराग कोष को स्फुटित करने में या उसको तोड़ने में मदद करती है। तीसरी इनके अंदर जो परतें होती हैं, काफी मृदुत्वकीय कोशिकाओं की परतें होती हैं जिनके अंदर भारी मात्रा में मौजूद पदार्थ संचित रहता है, जिनको हम मध्य परतें कहते हैं। इनके एक या दो तीन स्तर होते हैं जिनमें भोज्य पदार्थ संग्रहित होता है जो परिपक्व अवस्था में स्वयं नष्ट होकर समस्त जो भोज्य पदार्थ निकलता है वो विकास कर रहे परागकणों को प्रदान करती है। सबसे अंदर लघु बीजाणु धमनी भित्ति में अंदर केंद्र की ओर विशेष प्रकार की एक परत होती है जो पूरे परागकणों को संरक्षण एवं पोषण प्रदान करती है, जिसको हम टेपिटम कहते हैं। ये जो टेपिटम होती है इस टेपिटम के कारण पूरे परागकणों का पोषण व संरक्षण होता है, इसलिए टेपिटम को हम कोशी कोशिकाएं भी कहते हैं। ये टेपिटम प्रत्येक आवरणीय परागकणों में मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक को हम स्रावी कहते हैं दूसरे को अमीबी कहते हैं। स्रावी टेपिटम के द्वारा प्राय विशेष प्रकार के कार्बनिक पदार्थों का स्राव होता है जिससे परागकणों में चिपचिपापन रहता है, परागकणों को एक विशेष सुगंध आती है जिसके कारण आसानी से परागकण कीटों के द्वारा आकर्षित होकर दूसरे भागों को या दूसरे पुष्पों तक पहुंचाए जाते हैं। तो मुख्यतः जो मुख्य काम टेपिटम का होता है, जो आंतरिक परत है लघु बीजाणु धमनी भित्ति की, उसका काम होता है परागकणों को पोषण प्रदान करना और सुरक्षा करना। जबकि दूसरा इसका जो भाग था लघु बीजाणु धमनी का वो था बीजाणुजन ऊतक, जो बिल्कुल ठीक कोने में या केंद्र में होता है। इस बीजाणुजन ऊतक में सघन कोशिकाओं का एक समूह होता है जिन कोशिकाओं को हम लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं कहते हैं, जो प्राय द्विगुणित होती हैं। इन्हीं द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित कई सारे लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है जो बाद में निकलने के बाद एक परिपक्व परागकण के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो ये अगुणित परागकण हो जाता है। तो यहाँ पर लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं गोचर विभाजन करती हैं, अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और अगुणित परागकणों का निर्माण करती हैं। इसकी परिभाषा यहाँ पर यह है कि द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अगुणित चार लघु बीजाणुओं के या परागकणों के निर्माण की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। यहाँ एक प्रक्रिया होती है जिसको हम लोग कहते हैं लघु बीजाणु जनन। अर्थात द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा चार अंडे लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया कहलाती है आपकी लघु बीजाणु जनन। और लघु बीजाणु जनन के बाद अंतस्थीसियम कोशिकाओं में से जल की कमी होने लगती है और पूरी की पूरी लघु बीजाणु धमनी अर्थात परागकोष फट जाता है और समस्त परागकण बाहरी पर्यावरण में आ जाते हैं। इस तरीके से परागकण प्राय आपका अगुणित एक संरचना होती है, मतलब एक आधे सूक्ष्म वाली एक संरचना है जिसको हम परागकण कहते हैं। अब बात आती है प्रत्येक जो परागकण होता है इस परागकण के ऊपर मुख्यतः दो विशेष प्रकार की परतें पाई जाती हैं, जिसमें ऊपर की ओर आप देख रहे हो एक कांटेनुमा जो संरचना है ये इसकी पहली परत होती है जिसको हम बाहिचोल कहते हैं। ये बाहिचोल एक विशेष उच्च प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है जिसको हम स्पोरोपोलेनिन कहते हैं। इस स्पोरोपोलेनिन से इस परागकण की बाहिचोल निर्मित होती है जिसके कारण
इस परागण का जलवायु कारक जैसे जल के द्वारा, वायु के द्वारा, अर्थात अन्य जैविक कारक जैसे जीवाणुओं के द्वारा, कवकों के द्वारा आसानी से इसका अपघटन या इसका नष्टीकरण नहीं होता है। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि क्या कारण है कि परागण लंबे समय तक जीवित रहते हैं, तो इसका एक सुंदर सा आंसर आप दे सकते हैं कि प्रत्येक परागण की जो बाह्य छोर है वो स्पोरोपोलिन जैसे कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी होती है, जो उच्च कार्बनिक प्रतिरोधी पदार्थ होता है, जिसके कारण इस परागण का आसानी से जैविक अपघटन नहीं होता है। प्रत्येक बाह्य छोर के ऊपर कुछ विशेष प्रकार के छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जहां पर बाह्य छोर अपने आप को नहीं रख पाती है, उनको हम लोग बोलते हैं जनन छिद्र। और इन्हीं जनन छिद्रों से होकर जब परागण निषेचन करने के लिए जाता है तो परागनलिका का निर्माण होता है। अब बात आती है कि प्रत्येक परागण में नीचे की ओर जो पतली परत होती है कोमल होती है, भित्तिनुमा होती है, जिसको हम लोग कहते हैं अंतस्छोर, और ये विशेष कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बनी है जिसका नाम होता है पैक्टोसेल्युलोस। पैक्टिनोसेल्युलोस से मिलकर बनी होकर ये बहुत पतली होती है और जो जनन छिद्रों को फाड़ती हुई अंकुरण के दौरान एक विकसित परागनलिका का करती है निर्माण। अब ये बात सिर्फ अभी तक यहाँ नर की हुई है, नर पार्टी है, मेल पार्टी हुई है कि परागकण की संरचना क्या है और किस तरीके से परागकण की संरचना है, किस किस नलिकाओं का संरचना का निर्माण करती है। अब दूसरा जो अंतिम जो चक्र होता है प्रत्येक पादप के पुष्प का, उसको हम जायांग या स्त्री केसर कहते हैं या इसको मादा जननांग कहते हैं। इस मादा जननांग का जो एक सदस्य होता है उसको हम स्त्री केसर या अंडक कहते हैं, जिसकी संरचना इस प्रकार है। प्रत्येक जो स्त्री केसर या अंडक होता है उसकी संरचना में मुख्यतः तीन भाग होते हैं। पहला वर्ग भाग जो काफी चौड़ा हुआ होता है, काफी आधारी भाग होता है, उसको हम वर्तिका कहते हैं, जो परागण के दौरान परागकणों को ग्रहण करने का कार्य करती है। जबकि वर्तिका के नीचे नलिकानुमा संरचना होती है जिसको हम पराग नलिका कहते हैं, वर्तिका कहते हैं, और ये वर्तिका नीचे जो पुष्पाशय फूल का एक चौड़ा भाग बनाती है जिसको हम अंडाशय कहते हैं, और जो अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है। प्रत्येक अंडाशय के अंदर अनेक छोटी छोटी अंडाकार संरचनाएं होती है जिनको हम बीजाणु या गुरुबीजाणुधानी कहते हैं, जिनके अंदर बहुत सारी गुरुबीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। जो गुरुबीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या करती हैं, प्रथम बार वो भी लघुबीजाणु मात्र कोशिकाओं की तरह अर्धसूत्री विभाजन करती हैं और चार अंडित लघुबीजाणुओं का गुरुबीजाणुओं का निर्माण करती है। चार अंडित गुरुबीजाणुओं में से क्या होता है कि तीन गुरुबीजाणु इसके नष्ट हो जाते हैं, केवल एक गुरुबीजाणु सक्रिय रहता है। सक्रिय गुरुबीजाणु होता है, इस सक्रिय गुरुबीजाणु से एक पूर्ण विकसित मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणकोश का निर्माण होता है, जिसमें क्या होता है कि ये जो गुरुबीजाणु है ये गुरुबीजाणु कई बार 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 तीन बार क्रमिक रूप से क्या करता है, समसूत्री विभाजन करता है, जिसके कारण ये गुरुबीजाणु क्या करता है कि एक बार जब समसूत्री विभाजन करता है तो दो अगुणित केंद्रकों का निर्माण करता है, दोनों अगुणित केंद्रकों के बीच में एक फूला हुआ भाग रिक्तिक स्थान बन जाता है जिसको रिक्तिका कहते हैं, जिसके कारण एक जो केंद्रक है वो इस भ्रूणकोश में ऊपर की ओर चला जाता है, एक केंद्रक नीचे की ओर चला जाता है, ऊपर गया हुआ जो केंद्रक है वो निभागी सिरे पे चला जाता है और नीचे गया हुआ केंद्रक है वो बीजाणु वाली सिरे पे हो जाता है। अब दोनों सिरों पर जो उपस्थित एक एक केंद्रक है वो वापस फिर से द्वितीय बार संसूत्री विभाजन करते हैं, जिससे उस भ्रूणकोश के अंदर कुल संख्या में चार केंद्रकों का निर्माण हो जाता है, और फिर यही चारों केंद्रक तीसरी बार संसूत्री विभाजन करते हैं जिससे कुल आठ केंद्रकों का निर्माण करते हैं, जिन आठ केंद्रकों में चार केंद्रक निभागी सिरे पर होते हैं और चार केंद्रक इनके बीजाणु द्वार वाले सिरे पर होते हैं, उनमें से चार केंद्रक निभागी सिरों में से एक केंद्रक नीचे की ओर और बीजाणु द्वार वाले सिरे में से चार केंद्रक जो थे उनमें से एक केंद्रक ऊपर की ओर, दोनों अंगुलित केंद्र आपस में मिलकर बीच में एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करते हैं जिसको हम ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक कहते हैं, जिसकी गुहिका प्राय 2n होती है अर्थात 2n होती है। जबकि शेष बचे जो निभागी सिरे पर तीन केंद्रक है वो तीन कोशिकाओं के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं जिनको हम सहायक कोशिकाएं कहते हैं, जबकि बीजाणु द्वार वाले सिरे पर उपस्थित जो तीन केंद्रक होते हैं वो तीन केंद्रकों में से दो केंद्रक सहायक कोशिकाओं के रूप में विकसित होते हैं, जबकि एक केंद्रक फूलकर अंडाकार संरचना बनाता है जिसको अंड कोशिका कहते हैं। इस प्रकार बना हुआ जो भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद की जो संरचना होती है वो सात कोशिकीय होता है और आठ केंद्रीय होता है। सात कोशिकाओं का अभिप्राय क्या है, तीन सहायक कोशिकाएं और तीन में से आपकी दो सहायक कोशिकाएं और एक अंडी कोशिका, तीन और तीन छह, और एक जो बीच में कोशिका बनती है इसको हम केंद्रीय कोशिका कहते हैं। इस प्रकार सात कोशिकाएं बनती हैं और जबकि आठ केंद्रकों का निर्माण होता है, तीन केंद्रक ऊपर, तीन केंद्रक नीचे और दो केंद्रक बीच में। इस प्रकार उनको सात कोशिकीय और आठ केंद्रीय होता है। अब बात आती है कि जब पूर्ण विकसित आपका मादा युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है
फिर दूसरी जो विधि आती है जिसमें पराक्रमों का मादा यूटोपिया तक पहुंचने के लिए स्थानांतरण करना होता है, जिस विधि को हम सब लोग परागण के नाम से जानते हैं। परागण एक वह विधि है जिसमें परागण जो होते हैं वो परागण एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर निम्न की दो विधियों द्वारा पहुंचाए जाते हैं, जिसमें एक को स्वपरागण कहते हैं दूसरे को परपरागण कहते हैं। स्वपरागण जो होता है वह स्वयं द्विलिंगी पादपों के अंदर होता है, जबकि परपरागण वह होता है ऐसे पादप जिनके पुष्प एकलिंगी होते हैं, जिनके नर और मादा पुष्प अलग अलग होते हैं। तो उनमें नर पुष्पों में से परागकणों को उठाकर कीटों के द्वारा या जल के द्वारा या वायु के द्वारा उनके मादा पुष्प पर पहुंचाए जाते हैं, इस विधि को परपरागण कहा जाता है। परपरागण और स्वपरागण की विधियों के माध्यम से एक परागण जो होता है वो परागण किसी मादा पुष्प के वर्तिकागे पर जाकर पहुंच जाता है और वर्तिका जैसे उसको सहज स्वीकार कर लेती है वैसे कुछ विशेष प्रकार के रासायनिक पदार्थों का स्राव करती है, जिसके कारण जो परागकण होता है वो फट जाता है और फटने के बाद परागकण में से दो नर युग्मक उसके बीजाणु की ओर गमन करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ ये बीजाणु धानी है, इसकी तरफ गमन करते हैं और बीजाणु द्वार वाले शरीर से प्रवेश करते हैं। परागकणिका जैसे ही आपके भ्रूणकोश के अंडकोशिका या अंडोत्पन्न तक पहुंचती है तो फट जाती है और फटने के बाद इसमें से दो नर युग्मक मादा युग्मक के अंदर इस प्रकार से प्रवेश करते हैं, जिसमें एक जो नर युग्मक होता है वो अंडकोशिका के साथ निषेचित होकर जो पहली बार निषेचन होता है इस अंडकोशिका के साथ अगुणित नर और मादा युग्मकों के निषेचन से एक कोशिका का निर्माण होता है जो प्राय द्विगुणित होती है, जिसको हम युग्मनज कहते हैं। और ये युग्मनज बार बार संसूति बाधित करता है, जिसके कारण आपके भ्रूण का परिवर्तन होता है और यही भ्रूण आगे बार बार संसूति बाधित करके एक विशेष भ्रूण का निर्माण करता है, जिसको हम द्विबीजपत्री या एकबीजपत्री भ्रूण कहते हैं। इस द्विबीजपत्री भ्रूण में कोशिकाएं बार बार कई तरीकों से विभाजन करती हैं, जिससे दो बीज पत्रों का निर्माण होता है, क्योंकि नीचे वाली कोशिकाएं ज्यादा लंबी अंधेर रूप में विभाजन करते करते मूलांकुर का निर्माण करती हैं, जिससे मूलांकुर आगे चलकर जड़ के रूप में विकसित होता है और बीज पत्रों के अंदर भ्रूणी अक्ष होती है जो प्रांगण का विकास करती है। बात आती है कि ये निषेचन पहली बार जो हुआ वो प्रथम निषेचन था, तो इसमें दो बार निषेचन होता है। पहली बार निषेचन से जो युग्मनज और युग्मनज से भ्रूण का निर्माण हुआ, जबकि दूसरे वाले निषेचन में जो आपके मादा युग्मक में द्वितीय केंद्रक होता है वो 2N होता है, जिसमें द्वितीय नर युग्मक निषेचित होता है और इसको हम असत्य निषेचन कहते हैं। और इस असत्य निषेचन के साथ साथ दो केंद्रक आपके ध्रुवीय केंद्रक और एक केंद्रक नर युग्मक तीन केंद्रक आपस में मिल जाते हैं, तो इस घटना को प्राय हम लोग कहते हैं त्रिसंलयन। और त्रिसंलयन के कारण एक त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण होता है। त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक आगे कई बार कोशिकाओं का विभाजन करता है, जो पूर्ण विकसित भ्रूणकोश का विकास करता है। ये भ्रूणकोश काफी उच्च पोषक पदार्थों युक्त होता है, जो भ्रूणकोश विकास कर रहे भ्रूण के निर्माण में पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। ये दोनों घटनाएं साथ साथ चलती हैं, एक साइड में भ्रूण का परिवर्तन होता है, दूसरी साइड में भ्रूणकोश बार बार अपना विभाजन करके काफी मात्रा में भ्रूणकोश पोषण का स्थानांतरण करता है, जिससे पूर्ण विकसित भ्रूणकोश का निर्माण होता है। और आगे चलकर यही जो आपका द्विबीजपत्री भ्रूण होता है, उस द्विबीजपत्री भ्रूण के ऊपर प्रत्येक बीजाणु या गुणबीजाणु धानी के जो अध्यावरण होते हैं वो सूखकर बीज का आवरण बनाते हैं, जिससे पूर्ण परिपक्व बीज का निर्माण हो जाता है। और निषेचन के बाद जो अंडाशय होता है वो अंडाशय फूलकर फल का निर्माण करता है और इस फल के अंदर ये बीज बंद हो जाते हैं। बाद में इसी बीज को हम जमीन में अंकुरित करने के लिए बाद में बो देते हैं और वही बीज फिर से अंकुरित होकर ये नई पादप का निर्माण करता है और ये पादप अपनी कायिक प्रावस्था से गुजरता हुआ वापस में जन्म प्रावस्था में फूलों को मिलाता है और इस तरीके से फिर वही घटनाक्रम स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक आवर्त बीजी पादपों का एक डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन था, जिसमें ये सीखना था कि किस तरीके से आवर्त बीजी पादपों की जीवन चक्र की घटनाएं संपन्न होती है और किस तरीके से अंतिम रूप में बीज का Thank you. It's class. बन गया।